तारीखी इमारतों और दुनिया के विरसों के हिफाजत में जहां हुकूमतें ना सिर्फ नाकाम हो रही है बल्कि मुजरिमाना गफलत या साजिश का जरिए तारीखी इमारतों को बोसीदा होने छोड़ दिया जा रहा है और बिलाखिर मुख्तलिफ बहानों से इन्हें ढा दिया जा रहा है। ऐसे में महाराष्ट्र से ताल्लुक़ रखने वाले 24 साला संतोष बलवीर ने, जो कि मैथमेटिक्स से एमएससी हैं, साइकिल पर मुलगीर सफर करते हुए तारीखी इमारतों के तहफ्फुज के लिए बेदारी मुहिम का आगाज किया है। संतोष बलवीर ने मुहिम को संजीवनी सफर राइड अक्रॉस इंडिया का नाम दिया है। संतोष के मुताबिक हिंदुस्तानी फौज को सलामी ये सफर का एक और मकसद भी है। आज संतोष के संजीवनी सफर का 64वां दिन है। तहाल उन्होंने कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, पांडिचेरी, आंध्र प्रदेश से होते हुए अब हैदराबाद, तेलंगाना पहुंचे हैं और अब तक के ये 4,400 किलोमीटर की तवील मसाफात तय कर चुके हैं। आइए सुनते हैं संजीव बलवीर को। नमस्कार, मेरा नाम संतोष बालगीर है। मैं लातूर का महाराष्ट्र का हूँ। मैंने ये जर्नी 20 दिसंबर 2020 को चालू की थी। मैंने इस सफ़र को नाम दिया है संजीवनी सफ़र राइड अक्रॉस इंडिया। मेरा जो इस सफ़र का जो पर्पज़ है वो है कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स एंड हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स। एंड सेकंड जो पर्पज़ है मेरा वो है सल्यूट टू इंडियन सोल्जर्स। हालांकि लोग बहुत जगह पर जाते हैं, टूरिज्म के लिए जाते हैं, वहाँ पे जो जाके मौज मस्ती करते हैं, फ़ोटोशूट करते हैं, लेकिन उनको उन प्लेस के बारे में नॉलेज नहीं होता, इन्फॉर्मेशन नहीं होती, उसकी हिस्ट्री पता नहीं होती, उसका जोग्राफिकल इम्पोर्टेंस पता नहीं होता। तो इसके बारे में मैं लोगों को अवेयर कर रहा हूँ कि भाई आप जहाँ भी जाते हो तो वहाँ की जो नॉलेज है, वहाँ की हिस्ट्री है, वहाँ का जोग्राफिकल इम्पोर्टेंस है, वो पढ़ के जाइए। हालांकि आप हमें ही इस हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स का जो है वो कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन करना है। पूरा भारत देश का जो कल्चर है वो इसी हेरिटेज साइट्स में छुपा रहता है, तो हमें ये प्रिजर्व करना चाहिए। और मेरी ये जो जर्नी है लातूर से स्टार्ट हुई थी, अभी कर्नाटका होकर, केरला होकर, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश से होकर अभी मैं तेलंगाना के हैदराबाद में हूँ। अभी चार मीनार में एक्सप्लोर किया। तो इस पूरे जर्नी में मुझे बहुत सारे लोगों ने मदद की। मैं क्राउड फंडिंग से ये सफ़र के लिए निकला हूँ, तो बहुत सारे एक्सपीरियंस अच्छे आते हैं। हमारा इंडिया का जो कल्चर है अतिथि देवो भव, तो बहुत बहुत जगह पे मुझे ये लोगों ने हेल्प की मेरे रहने के लिए, खाने के लिए, और पूरे सफ़र में मुझे लोग मदद कर रहे हैं। तो मेरा एक आपको संदेश रहेगा कि आप भी जहाँ पे भी जाते हो तो आप पूरे जो हिस्टोरिकल प्लेसेस है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है, तो उनके बारे में जानकारी लीजिए, उसके बारे में रिस्पेक्ट रखिए, उसका अच्छा। ये जो सफ़र है मेरा पूरा प्लान 5 महीने का है। अभी दो महीने का सफ़र ख़त्म हुआ है और अभी 3 महीने का सफ़र जारी रहेगा। अभी आगे यहाँ से मैं नागपुर के लिए निकलूँगा हैदराबाद से, उसके बाद मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड, बाद में पंजाब, राजस्थान, गुजरात से होकर महाराष्ट्र में लातूर में ही मेरी जर्नी ख़त्म होगी।